धन्यवाद सब लोगों का, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इस सभा के अध्यक्ष अध्यक्ष जी और आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, नौजवान साथी जयंत चौधरी जी, मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष नरेश उत्तम जी, प्रदेश पार्टी के जिलाध्यक्ष राजपाल सिंह जी, जिलाध्यक्ष लोक दल मतलूब गौर जी, रफीक अंसारी जी, राजेंद्र शर्मा जी, राजपाल सैनी जी, पूर्व सांसद हरिंदर मलिक जी, सुधीर पवार जी, प्रमोद त्यागी जी, शाहिद मंजूर साहब पूर्व मंत्री जी, अतुल प्रधान जी, सैयद सिद्दीकी साहब, आदिल चौधरी जी, त्रिलोक त्यागी जी, बड़ी संख्या में यहां पर मंच पर नेता हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी के आरएलडी के सभी हमारे सम्मानित नेतागण। और इस सभा में मैं देख रहा हूं दूर दूर तक बड़ी संख्या में दोनों दल के हमें नेता कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। इस सभा में उपस्थित किसान भाई, आदरणीय बुजुर्ग, नौजवान साथी, माताएं बहनें और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले सभा में आए हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। मैं देख रहा हूं जब से आपके बीच में पहुंचा हूं, ये जो आपके दाईं ओर सड़क है, सड़क पे दोनों तरफ से लोग आ रहे हैं। अभी भी ये मैदान छोटा पड़ गया है, लोगों का आना अभी रुका नहीं है। ये डी भर गई, दाएं तरफ लोग दिखाई दे रहे हैं, बाईं तरफ मंच भरा है। इसलिए ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए मैं आरएलडी और समाजवादी पार्टी के सभी नेता कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ जो आए हुए हमारे किसान भाई हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। मेरठ की धरती क्रांतिकारी धरती है, इस धरती को मैं नमन करता हूं। यहां के लोगों ने हमेशा, यहां के चौधरी चरण सिंह जी ने न केवल आपके इलाके को बल्कि पूरे प्रदेश देश के किसानों को जगाने का काम किया। हम ऐसे लोगों का भी बहुत बहुत प्रणाम करता हूं जिसके बीच से ऐसे महान नेता निकले। साथ ही साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, जिनका संविधान, जिन्होंने संविधान देकर के इस लोकतंत्र में हमें और आपको अधिकार देने का काम किया है, मैं उनको भी याद करते हुए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जिन्होंने देश को नई दिशा दी, लोकतंत्र में सबको बराबरी का हक मिले, कोई जात का भेद ना हो, कोई धर्म का भेद ना हो, कोई भाषा का भेद ना हो, कोई क्षेत्र का भेद ना हो, वो व्यवस्था देने का काम किया डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने। मैं आज किसानों का धन्यवाद देता हूं, प्रणाम करता हूं। बाबा टिकैत जी को भी याद करता हूं, जिन्होंने समय समय पर किसानों को जगाने का काम किया। इधर जब से पहला कार्यक्रम हुआ था गठबंधन का, मुझे याद है उत्तर प्रदेश के दूसरे हिस्से में गठबंधन का पहला कार्यक्रम हुआ था, उसी दिन ऐलान हो गया था कि उत्तर प्रदेश में अब भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। और यहां की जनता ने मन बनाया है कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को खदेड़ करके उत्तर प्रदेश से बाहर निकालने का काम होगा। लेकिन आज जब मैं आ रहा हूं आपके बीच में, मैं जो देख रहा हूं जन सैलाब, ये जन सैलाब बता रहा है
कि इस बार पश्चिम में भारतीय जनता पार्टी का सूरज डूब जाएगा। इस बार ये जनसैलाब देख करके, ये उत्साह जोश देख करके मैं कह सकता हूं कि पश्चिम में भारतीय जनता पार्टी का सूरज डूबेगा और हमेशा के लिए डूबेगा। बताओ, हमेशा के लिए डूबेगा कि नहीं डूबेगा? ये उत्साह बता रहा है कि इस बार किसानों का इंकलाब होगा और 22 में बदलाव होगा। ये जन समर्थन बता रहा है, कोई बदलाव रोक नहीं सकता। हमारे किसानों को क्या क्या नहीं सामना करना पड़ा,